वाबस्ता करने के हवाले से नौ जमातें इसके हक में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ्फुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हौसला हौसला में खड़ी मैं खड़ी मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी सीटों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पर कोई कयास राई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने साहब कहा कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस, इसके बारे में आप कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि मैं साहब आप भी तशरीफ लाएँ, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जद्दोजहद करते हैं। तो जिस पर मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के आवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो उनके दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद फानिज इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, कब तक मेरे प्लग आप कब तक बताएंगे सर? एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब,
और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़ियादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़ियादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रिजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वील गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफिका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाल्लाह तो एक मिनट उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़ियादत ने मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। कितना अरसा लगेगा, जाके बात चला गया, कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी दो जमातें लेके वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? आपने जो सवाल किया, एक सवाल का जवाब सबर मैं खड़ी नहीं जा रही आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूंगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हाँ हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआईएफ ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम आपके सामने खड़ी, हुकूमत खत्म होगी इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब है कि क्या पीडीएम का जो ये इतिहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इतिहाद फिर वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है? इस सवाल पर विचार कीजिए क्योंकि अब से प्यास आ रही है, होनी है और सोचे तूफान कर रहा है। पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर आ रही है, अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, तावन भी करेंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन बने मैंने आप शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है और ये जो उनके खून और ज़िंदगी के दर पे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है, उनकी सलाहियतों की ज़रूरत है, उनकी बसीरत की ज़रूरत है। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं, हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिरन साहब क्या एक बतौर ये
आगे जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर के चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुश्तरक वोटरों का क्या होगा? अब ये खत्म तो सब करे हुकूमत को मुझसे बना देखें देखें अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक मिनट। पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी और बाकी जो मामला आते हैं वो मिलते होंगे। चेयरमैन के खिलाफ आप लोग कॉन्फिडेंस मूव करेंगे? थैंक यू।